आप लोग देख सकते हो काफी सारे वर्कर जो है इस पे चढ़कर काम कर रहे हैं और काफी बड़े बड़े क्रेन यहाँ पे मशीन लगा हुआ है। तो हाँ जी भाई, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग भी बिल्कुल बढ़िया होंगे, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन बिहार वाला पे। तो भाई लोग, आज के इस ब्लॉग का, आज का ये ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको जस्ट पीछे मेरे आपको दिख रहा होगा, एक बुद्धे भगवान का स्टैचू बन रहा है। तो ये कहाँ पे बन रहा है? अंडर कंस्ट्रक्शन अभी फिलहाल है, लगभग 80% ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बारे में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ और काफ़ी बड़ा ये टूरिस्ट प्लेस ये होने वाला है। ये बन रहा है बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में, और हिसुआ आप लोग जानते होंगे, नवादा से हिसुआ लगभग 14 किलोमीटर दूर है। वहाँ से 3 किलोमीटर यदि आप गया रोड में जो 4 लेन है उससे आगे आते हैं 3 से 4 किलोमीटर, तो राइट साइड में आपको 4 लेन के राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब इसके बारे में हम बात करते हैं, आखिरकार गौतम बुद्धा कौन थे और क्यों यहाँ पे ऐसा बनाया जा रहा है, और आखिरकार ये बनने के बाद क्या क्या और नवादा डिस्ट्रिक्ट में मतलब बदलाव आ सकता है। तो भाई सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग मैं लाता रहता हूँ और इन फ्यूचर और भी आता रहेगा। तो चलिए इसके बारे में आप बैक कैमरे से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में, जो बुद्धा स्टैचू जो ये बन रहा है इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो ये जो है लगभग 108 फीट मतलब इसका हाइट होने वाला है, और जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, इसका लगभग 80% जो काम है, 80% बोल सकते हो जो कि कंप्लीट हो गया। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके भी दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हो काफी सारे वर्कर जो है इस पे चढ़कर काम कर रहे हैं और काफी बड़े बड़े क्रेन यहाँ पे मशीन लगा हुआ है इसको बनाने के लिए, बुद्ध भगवान के स्टैचू को बनाने के लिए। तो इसका जो साइट इसका मतलब जो कंपनी है कौन सा बना रही है ये, मतलब यहाँ पे साइट पे मैंने इसको सर्च करके यहाँ पे ट्राई किया था, और यहाँ का व्यू आसपास का आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा है, और ये जस्ट 4 लेन के बगल में ये पड़ता है। तो इसका साइट पे मेंशन नहीं किया गया कि आखिरकार इसको कौन सी कंपनी बना रही है। तो अगर मेंशन रहता तो मैं यहाँ पे बताता, और इसका फंड भी नहीं बताया गया कि आखिरकार कितना होने वाला है। तो बुद्ध भगवान जो थे उनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, और उनका जो देहांत हुआ था भारत के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ था कुशीनगर में। और उनके बारे में जीवन का मैं बात करूं तो उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था जब लगभग उनकी जो मतलब कम ही उम्र में उनका शादी हो गया था, जो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा नाम था, और उनके मतलब इच्छाबुक वंश यानी सुदोधन जो उनके पिताजी का नाम था उन्हीं का क्षत्रिय कुल में उनका जो मतलब जन्म हुआ था, और उनकी उनका एक पुत्र भी थे छोटे जिनका नाम था राहुल, जो पुत्र का नाम राहुल था। तो बहुत ही कम उम्र में वो घर को त्याग कर और दुनिया को शांति का संदेश, सत्य का संदेश देने के लिए निकल गए, और बिहार के गया के बोधि वृक्ष के पास उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसके बाद वो सिद्धार्थ के नाम से मशहूर हुए। तो यही कुछ था इनका इतिहास जो कि मैंने कम ही लाइनों में आप लोग को मैंने बताने का कोशिश किया है। और वो बौद्ध धर्म से प्रचार प्रसार करते थे। अगर ये बनकर तैयार हो गया तो नवादा में एक अलग ही टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो उसके जस्ट सामने एक छोटा सा मूर्ति आप लोग को और दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं जस्ट उसके सामने भी एक नीचे भी मूर्ति और बन रहा है। तो यहाँ पे आप फिर आके आप घूम सकते हैं, और ज़्यादा दूर ये नहीं है, नवादा से लगभग 17 से 18 किलोमीटर ये पड़ने वाला है, और यही रोड से सीधा आप हिसुआ से आएंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं पास में एक छोटा मोटा गांव भी यहाँ पे पड़ता है। और ये रोड जो है सीधा गया की ओर गया है, तो आप गया से भी आ सकते हैं, गया से लगभग ये 30 किलोमीटर के लगभग होने वाला है, और नवादा से ज़्यादा नहीं लगभग 18 से 19 किलोमीटर ये होने वाला है 20 किलोमीटर तक। तो यही कुछ था यहाँ का अपडेट, आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और काफ़ी बड़े लेवल पे ये प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। हालांकि इसका फंडिंग कौन किया है ये सबको अभी पता नहीं चला है, जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं एक बार और इसका मतलब शेयर करूंगा आपके यहाँ पर आके, और यहाँ का अंदर का भी व्यू दिखाऊंगा। हालांकि अभी अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि कुछ मतलब हर जगह जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है, सिक्योरिटी की वजह से अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, नहीं तो अंदर जाके भी आप लोग को मैं दिखाता। हालांकि ये इतना बड़ा है कि बाहर से ही क्लियरली दिख जाता है, और जो भी यहाँ से क्रॉस करते हैं वहाँ पर फोटो क्लिक किए बिना नहीं जाते हैं।
तो भाई लोग आप भी आपके यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हिसुआ से 3 किलोमीटर अगर यदि आप आगे आते हैं तो आपको ये दिख जाएगा राइट साइड में। और जो आप लोग दूर से हैं तो अभी मत आना, क्योंकि जब तक कि बनकर तैयार नहीं होता है यहाँ पे आने से अभी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अंदर अभी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो भाई लोग आशा करता हूँ ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, लेकिन मैं इस ब्लॉग को एंड करने से पहले आप लोग को दिखाना चाहूँगा यहीं के ये लोग ग्रामीण हैं, मतलब जो पास में आप लोग को दिख रहा होगा ये सामने वाला जो बस्ती है तेही के यहीं के रहने वाले ये लोग हैं। तो इनसे मैं कुछ पूछने का ट्राई करता हूँ आखिरकार ये जो बन रहा है तो इसके बारे में इन लोग का क्या राय है और ये खुश है या नहीं, क्योंकि किसी के गांव के पास में अगर इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन रहा है तो खुशी तो लाजमी होता है। तो भाई आप लोग मतलब ये बन रहा था इसके लिए खुश हो ना, खुश हो ना, मतलब पूरा क्या मतलब इसके बारे में कुछ बोल सकते हो, कुछ मतलब कुछ भी नहीं। बुद्ध भगवान कौन थे कुछ पता है, कुछ नहीं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये कैमरा के सामने मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, कुछ आ भी रहा होगा तो नहीं बोल पा रहे होंगे, तो खैर कोई बात नहीं। और यही के आसपास के लोग रहने वाले हैं, तो आशा करता हूँ ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और नवादा से आकर मैंने ये कवरेज किया है तो बहुत कम ही लोगों ने इस जगह को भी कवरेज किया, तो मैंने आप लोग को दिखाने का कोशिश किया है कि नवादा में एक और टूरिस्ट प्लेस बन रहा है और इन फ्यूचर बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हम लोग घूमने आएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और चैनल पर जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार आपको फिर से दिखा देना चाहते हैं, ये बुद्ध भगवान का स्टैचू हिसुआ से आगे है, आप लोग वीडियो देखना तो यहाँ पे आके देख सकते हो, रोड पे से ही दिख जाता है। चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय।